मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्तुति आराधना शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम ऐसे माहौल में, हम ऐसे परिस्थिति से अब गुजर रहे हैं जहाँ लोग काफ़ी सारे निराश हैं। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात कर रहे होंगे, जान पहचान के लोगों से बात कर रहे होंगे, तो आजकल कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलता है ना। मैं जानती हूँ, और उनकी बातें सुनकर कभी कभी हमें भी ऐसे लगता है कि हाँ यार, क्या हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने सोचा, ये चौथा लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। आप सबको एक सेकेंड या एक मिनट देती हूँ सोचने के लिए। सोचो, परमेश्वर ने हमें किस तरह संभाल कर रखा है। हम काम पर नहीं जा रहे थे, है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ख्याल रखा कि हमारी सारी जरूरतों को वो पूरी करेगा। हमारे घर में रोजी रोटी आ रही है, आमदनी शायद नहीं होगी, पर खाना मिल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, डरना नहीं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं आकाश में उड़ते पंछियों का ध्यान रखता हूं, उनके खाने पीने का चिंता करता हूं, तो तुम उनसे मूल्यवान हो। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे जो जिंदा खुदा है। उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो कहता है, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे जो हमसे प्यार करता है। बिना कुछ कहे, कुछ बोलने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है और संभालता है और पूरी करता है। इब्रानियों की किताब से पढ़ूंगी, अध्याय 13 वचन 15। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 15। फिर से कहूंगी, इब्रानियों का किताब अध्याय 13 वचन 15, उसमें लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करता है, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। आए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना चढ़ाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के शाम के लिए। धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें वो आनंद से भर दिया है, आनंद जो संसार नहीं देती, पर बल्कि वो आनंद जो तू हमें देता है, शांति जो तू हमें देता है, जो इस दुनिया नहीं समझ सकता कि वो शांति कहाँ से आती है, वो तू हमें देता है और तू हमें संभालता है, तू हमें रखता है। धन्यवाद करती हूँ। आइए आज के शाम जैसे ही हम स्तुति आराधना करेंगे, मांगती हूँ पिता, तेरे पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे, अभिषिक्त कर दे, और हमें सुनने वाले जो स्तुति आराधना में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभी, उनके हृदय को भी तू टटोल, और हमें सच्चाई में और आत्मा में तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हमारी अगुवाई कर, हमारी अनुमति, हमें अनुमति दे। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए मेरे साथ पहला गीत गाएं। उसी गान की बोल ऐसी है, हम लाए प्रभु के लिए अपनी प्रशंसा और स्तुति। तैयार है, आइए। हम लाए प्रभु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति, हम लाए प्रभु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति। धन्यवाद प्रशंसा स्तुति, हम लाए प्रभु के लिए
धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए, हे प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए, हे प्रभु तम लाए प्रभु के लिए अपनी प्रशंसा स्तुति, हम लाए प्रभु के लिए अपनी प्रशंसा धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए, हे प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए, प्रभु तेरे नाम के लिए, हे प्रभु आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, प्रभु तेरे चरणों में आनंद है और वो आनंद सिर्फ तू ही हमें दे सकता है, तू ही हमें हमारे दिल में वो आनंद से भर देता है कि जब सब ठीक नहीं चल रहा तो भी हमारे मन में शांति है, और इसीलिए प्रभु हम तेरे पास आते हैं, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा, तेरे पास हम आते हैं सदा,
कोई मिले सर्वदा मेरे खुदा मेरे खुदा यीशुआ
धन्यवाद करती हूँ पिता, जो तूने हमें इतना संभाल कर रखा। जब लोग डर रहे, लोग चिंतित हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, घर कैसे संभालें, बच्चों को कैसे देखें, काम करने के लिए कोई काम नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर कैसे चलाएं। और इन सब के बीच तेरा दाहिना हाथ हमेशा हम पर है। तेरा वचन कहता है, ना तू कभी ऊँगता है, ना तू कभी पलके झपकता है, परंतु तेरी नजरें 24 घंटे हम पर टिकी हुई रहती है। हर दिन तेरा वचन कहता है, मेरा मदद कहाँ से आता है? मैं पर्वतों को देखता हूँ तो मेरा मदद तेरी ओर से आता है। और तू कहता है कि तू हमारा आना जाना देखता है। कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति हमारे घर के दहलीज के अंदर नहीं आई। तू हर चीज से हमें बचा लेता है, हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय स्तुति और आराधना का, जो तूने हमारी अगुवाई की और हमें चलाया। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हरेक के दिल को तू छू ले, हरेक के दिल को तू टटोल, ताकि जब हम वचन सुने, हम उसे ग्रहण करें और हमारे रोजमर्रा के जीवन में उसे लागू करें, ताकि हमारी जीवन शैली बदल जाए और हम परमेश्वर जीवित यीशु मसीह के लोग माने जाए और जाने जाए। ऐसे मैं मांगती हूँ, पवित्र आत्मा सहायता कर और हमसे बातें कर। यीशु मसीह हमारे साथ रहे और हमें सिखा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज उसने उसकी इच्छा के अनुसार हमें उसके चरणों में इकट्ठा किया है। अलग अलग जगह में है, हम उसके चरणों में आए हुए हैं। आज स्तुति के गीतों के द्वारा हमने उसकी स्तुति की है। अब चलते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए उससे पहले हम समझने के लिए उसकी सहायता करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि आज तूने तेरे चरणों में हमें इकट्ठा किया है। हम खाली दिलों से तेरे चरणों में आए हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि तू हम आज हमसे बातें कर और हमें तेरी शांति से, तेरे वचन से भर कर हमें अपने अपनी जगह पे तू ले जा। वचन समझने में हमारी सहायता कर प्यारे पिता। मैं अपने आप को वचन समझाने में तेरी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मांगता हूँ, तारणा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आइए तो आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत वक्त में सुना है आशीष और आशीषित, ये दो शब्द जो है बार बार हम सुनते हैं, बार बार हम बोलते भी हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है हमें आशीष देना चाहता है, और या के हम आशीष के कारण दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। तो आइए, लेकिन जो परमेश्वर हमें आशीष देता है वो उसके लिए कुछ शर्तें भी हमारे तरफ रखता है, या हमसे कुछ शर्तें देता है, ताकि हम उस शर्तों के द्वारा उस आशीष पाने की कोशिश करें। देखते हैं हम भजन संहिता 1 और उसके 3 पदों के द्वारा आज हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं भजन संहिता 1 और उसके पहले वचन को। वचन में ऐसे कहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों को मंडली में बैठता है। तो इस वचन में, पहले वचन में तीन बातें हम पाते हैं, यहाँ पे तीन बातें कहा है। पहली बात यहाँ पे कह रहे थे दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना, और दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, तीसरा ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठना। तो ये तीन बातें हैं, हमें चलना नहीं है,
खड़ा रहना नहीं है और बैठना नहीं है। किसके? जो दुष्ट है उनके साथ में हमें चलना नहीं है, पापियों जो उनके साथ में हमें खड़ा नहीं होना है, और ठट्टा करने वाले के मंडली में हमें बैठना नहीं है। परमेश्वर हमें ये चाहता है। आपको पता है कि इस ये जगत में, इस संसार में हमें ये दुष्ट, पापी और ठट्टा करने वाले सब लोग पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमें इस जगत में रखा है और वो हमसे चाहता है कि हम इस जगत में रहते हुए भी जगत से अलग अपने आप को हम पेश करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इफिसियों की पत्री अगर हम देखेंगे उसके दूसरे अध्याय में, इफिसियों की पत्री उसका दूसरे अध्याय और दो वचन है जो हमारे बारे में कहता है। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 3-5 तक हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं के पूरे करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ दिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार किया है। तो हम भी इस जगत में जब थे, जगत के लोगों के समान हम थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उसने हमारा उद्धार किया है, और उसने हमारा उद्धार किया है उसलिए वो चाहता है कि हम इस जगत में रहते हुए भी हम जगत से अपने आप को अलग बताएं, अलग हम रहने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात हमने देखा है कि हमने आपको जगत से अलग करना है, जगत से जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं और जो ठट्टा करने वाले हैं उनके साथ में हमें रहना नहीं है। हम देखते हैं कि पाप जो है वो आस्ती आस्ती काम करता है। पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पहले चलना शुरू होता है, जगत के लोगों के साथ में हम चलते हैं और चलते चलते आस्ते आस्ते फिर क्या, हम उसके साथ में खड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते हम क्या करते हैं उनके साथ में हम बैठ जाते हैं। उसका मतलब क्या है, हम उनके साथ में मिल चुके हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर आज हमसे बातें करता है कि देखिए आप जगत में हो लेकिन इस जगत के लोग जो है उनके साथ में आपको चलना नहीं है, उनके साथ में आपको बैठना नहीं है, उनके साथ में आपको खड़ा नहीं रहना है। तो आज ये परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। इस इफिसियों की पत्री जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और आज हम जगत के लोग नहीं लेकिन हम उद्धार पाए हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस बातों से हम दूर रहे। नीति वचन की किताब में हम जाते हैं, नीति वचन की किताब उसके दूसरे अध्याय में पहले अध्याय से कुछ वचनों का हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर के वचन हमें बहुत ही सरलता से बताया गया है। नीति वचन की किताब उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में हम जाते हैं, इफिसियों नीति वचन 1:10 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझसे फुस लगाए तो उनकी बातें न मानना। मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझसे फुस लगाए तो उनकी बातें न मानना। और 15वें वचन में जाते तो हे मेरे पुत्र तू उनके मार्ग मार्ग से चलना चलना वरना उनकी डगर में से पांव भी न रखना। तो भजन संहिता 1 में जो बातें लिखी गई है नीति वचन में भी वही हम पाते हैं, वह परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और 14वें अध्याय में नीति वचन उसके 14वें अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 और उसके 14 और 15 वचन, नीति वचन उसके 4:14-15 वहां पे लिखा है कि दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग में चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। मतलब वहां पे रुकना नहीं, तो वहां पे बैठना नहीं है। तो परमेश्वर हमें इस सरलता से हमें बताता है कि हम इस जगत के नहीं है,
इसलिए हमने इस जगत में हमने आपको जगत से दूर रखना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस जगत में इस जगत से अपने आप को अलग करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर जो है वो हमारा सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 में, वो हमारा बैठना जानता है, हमारा चलना जानता है और हमारे विचारों से भी वो जानता है। और इसलिए हम अपने आप को इस जगत से, इस संसार से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करें, ताकि वो हमारा जीवन जो है वो आशीष से भर दे। ये पहली शर्त परमेश्वर हमारे सामने रखता है कि हम आशीष अगर हम पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आनंदी होना चाहते हैं, तो हम अपने आप को इस जगत से, इस संसार से अपने आप को हम अलग रखें। दूसरे वचन के ऊपर हम जाते हैं और दूसरे वचन में लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात रहता है। तो दूसरा वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर के वचनों से हमें आपको भर देना है, परमेश्वर के वचनों से हमें आपको भर देना है। क्यों? कि भजनकर्ता वी शुड बी सैचुरेटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को अपने आप को हमें भर देना है। भजनकर्ता जो है वो 119 वचन के 11वें पद में हम जब जाते हैं, भजन संहिता 119 में और उसके 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या करता है। भजन संहिता 119 और उसके 11वें पद में हमें कहा कि भजन संहिता कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये परमेश्वर के वचन जो है जब हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हम उनको अपने दिल में जब हम रहते हैं, तो हमें ये जो तीन बातें परमेश्वर हमसे चाहता है, हम ना चले, ना खड़ा रहे या ना बात उनसे करें, तो ये हमारे जीवन में हमें सहायता करती है कि हम परमेश्वर के इस लोगों से या इस जगत से हम दूर रह सके। तो ये भजन संहिता ये कहता है और आगे भी जाते हैं इस भजन संहिता 119 में वचन जो हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो और हमें स्पष्ट होता है। पहले भजन संहिता 119 पहले वचन में यहाँ कहा गया है कि क्या ये धन्य है वे जो चाय के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। भजन संहिता 1:2 में कहा है व्यवस्था से प्रसन्न होता है और व्यवस्था पर ध्यान करता है, और 119 में कहता है कि यो जो वचन दो जो व्यक्ति है, जो पुरुष जो है, जो अपने आप के वचन में प्रसन्न होता है, वचन को रखता है, वो धन्य है, वो आशीषित है, वो आनंदी है या वो सुखी है। और भी आगे देखते हैं वचन 119 में क्या कहा है। वचन 35 में जाते हैं, 119 के 35वें वचन में वहां पे लिखा है अपने आज्ञाओं के साथ पद के बोझ को चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। देखते हैं कि भजन संहिता दूसरे 1:2 में जो यहाँ पे लिखा गया है कि व्यवस्था से प्रसन्न होता है और व्यवस्था को रात दिन मनन करता है। तो इसके लिए आगे भी हम देखते हैं भजन संहिता 119 में भी यहाँ पे 35वें वचन पर लिखा गया है कि अपनी आज्ञाओं के पथ से मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। आगे जाते हैं और 47 क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। आगे जाते हैं 92 में लिखा यदि मैं तेरी व्यवस्था में सुखी न होता तो मैं दुख के साथ हो जाता। और 97 में कहा है कि हाँ तेरे व्यवस्था में किसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मैं ध्यान उसी पर लगाता हूँ। तो जो
101 और भजन संहिता 1 में और दूसरे वचन में जो पाया जो हम पाते हैं, जो हमें कहता है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वही हमें कहता है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वही वचन हमें भजन संहिता 119 में हम पाते हैं। वही वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के वचन में कैसे हमें रखना है, परमेश्वर के वचन हमारे दिल में हम कैसे भरे रखना है। तो ये परमेश्वर के लिए दूसरी बात हमारे जीवन में है। और आगे हम जाते हैं और तीसरे वचन में देखते हैं, वचन तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपने ऋतु में फल देता है और अपने ऋतु में फल देता है। अपने आप जब आप अपने आप को इस जगत से, इस संसार से अपने आप को हम अलग रखते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह से भर देते हैं, तो हमारा जीवन भी जो है हरा भरा होता है। जैसे कि ये जल के बास में लगाया जो पौधा होता है, जो वृक्ष होता है, उसके समान हमारा जीवन भी हो जाता है। यिर्मयाह की किताब में हम जाते हैं, यिर्मयाह की किताब में, और यिर्मयाह की किताब में 17वें अध्याय में, यिर्मयाह चैप्टर 17 और वर्सेस चैप्टर 17 और वर्सेस विल सी दैट 7 and 8, यिर्मयाह 17:17 और 7 और 8, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैली है, जब धूप होगी तो उसकी न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह भी फलता रहेगा। तो ये है परमेश्वर के वचन का परिणाम हमारे जीवन में कैसा होता है। अगर परमेश्वर से वचन से हम भरे हुए रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन जो है जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। और जब जब हम परमेश्वर के मार्ग से अगर अलग रहेंगे या जैसे पहले वचन में कहा, वो चाहता है कि हम उससे जगत से हम ना मिले, अगर हम जगत में जाने की कोशिश करते हैं या खड़े रहने की कोशिश करते हैं, बैठने का हमारे तरफ से कोई कृति होती है, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, अंदर से हमें बातें करता है और हमें बताता है कि ये गलत है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, उसके मार्ग में रहने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए हमें वो सहायता करता है, हमें वो सहायता देता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन हमारे दिल में, हमारे इसमें रखना बहुत ही जरूरी है। वचन वृक्ष के लिए लिखा है कि जो वृक्ष है वो आशीष का प्रतीक है या हमारे जीवन का प्रतीक है। और वहां पे जो लिखा है जल जो है वचन का प्रतीक है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जल जहां जहां भी आया है उसके वचन में बारे में बताया गया है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हुआ भरा हुआ रहता है वह परमेश्वर के इच्छा को जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उससे बातें करते हैं और उसके बताते हैं, उसके मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए वो क्या, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके समझने के अनुसार, उसके साथ में या वचन को समझ के अपने जीवन में वो चलता रहता है। और परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो शर्त जो है हमारे जीवन के लिए, वो पूरी करता है। और हम जानते हैं, देखते हैं, और तीसरा वचन भजन संहिता 1:3 का दूसरा भाग जो है उसमें लिखा है कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष को वह पुरुष करे वह सफल होता है। जब हम जगत से अलग रहते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर से वचन से भरा हुआ रहता है, और जब भरा हुआ रहता है तो क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझने का कारण हम इसके उसके इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, और इच्छा के अनुसार चलने के लिए क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करने के नाते हम देखते हैं कि हम सफल होते हैं। और अगर हम पुराने नियम जो जाते हैं तो यूसुफ के जीवन में हम इस बात को पाते हैं।
यूसुफ के जीवन में ये सच्चाई को हम पाते हैं। इस यूसुफ का जीवन हमें उत्पत्ति की किताब में हम तीसरे अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसके तीसरे अध्याय 3 और 4 में, उत्पत्ति उसकी किताब में तीसरे अध्याय 3 और 4 में हम देखते हैं। माफ करना, सॉरी, 39वें अध्याय में शायद, हाँ 40 39वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 3 और 4, 3 और 4। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके साथ है और सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि पर उस पर हुई और वह के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था, और इसलिए हम देखते हैं कि जब वो पकड़ावा गया था और वहां पर उसे बंदीवास में बंदी करके लाया हुआ था, तो ये पोटीफरस नाम जो ये था हाकिम था वो उसके पास में उसने उसे खरीदी किया। और जब वो उसके पास में उसकी सेवा करता था तो उसने देखा कि ये जो यूसुफ जो मेरे साथ में है वो जो कुछ करता है वो उसमें सफल होता है, और उसमें ये पाया कि परमेश्वर उसके साथ में है। परमेश्वर के साथ में क्यों उसके साथ में था? क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था। तो ये बात हमें सीखना है कि परमेश्वर के वचन जब हमारे जीवन में रहते हैं तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने में हमारी सहायता करते हैं और हम आशीषित होते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा, एक छोटे से मनन के द्वारा हमने यह सीखा है कि अगर हमें आशीष पाना है तो हमें इस जगत से अपने आप को अलग करना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर से वचन के वचन से हमें भर देना है। परमेश्वर से वचन में से हमें भरने के लिए हमें क्या करना है? उसको मनन करना है, उसको पढ़ना है, उसको जिसे हम कहते हैं रिसाइट करना है, मुखोद्गत करना है, ताकि क्या करता है वो हमारे स्टोर में रहेगा, हमारे दिल में स्टोर हुआ रहेगा, वचन स्टोर रहेंगे। और जब जब कुछ मुसीबतें आती है, जब जब गलत करने के हमारे जीवन में प्रसंग आता है, तो ये वचन जो है हमसे बातें करेगा और हमसे उसके मार्ग में चलने के लिए सहायता करेगा। तो आज हम अपने आप को परखेंगे कि क्या हम इस संसार में रहते हुए अपने आप को अलग रखे हुए है या नहीं। दूसरी बात, क्या परमेश्वर से वचन से उसकी व्यवस्था पर हम प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से वचन पे प्रेम रखते हुए उसके वचन को हमारे जीवन में प्रधानता है, या हम उसको वचन को जानकर उसके इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं? आज हमने अपने आप को जांचना है। अगर परमेश्वर हमसे बातें करता है कि हम थोड़ी देर जगत में है, थोड़ी देर उसके पास में है, तो हमें अपने आप को सुधारना है। और परमेश्वर अगर चाहता है कि सही रीति से अगर हम आशीष पाए तो सही रीति से हम उसके वचन को पालन करना है। प्रभु करे हमें आशीष दे। प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की है, तूने हमें बताया है कि तू हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन तू ये चाहता है कि सबसे पहले हम अपने आप को इस जगत के इस संसार से हम अपने आप को अलग रखें, अपने आप को हम तेरे वचन के वचन से अपने आप को पूरा भर दें, क्योंकि तेरा वचन हमें तेरे मार्ग में रहने के लिए सहायता करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो बातें दो बातें अगर हम जब हम करते हैं तो तेरे वचन में हमें बताया गया है हमारा जीवन सुखी होता है, हमारा जीवन जो हम अपने आप को जो कुछ हम अपने करते हैं हम उसमें सफल हो जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सुने हुए वचन को हमारे चिल में हम कार्य करने के लिए उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तो हमारी सहायता कर। मांगते हैं हमारे तारणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता अब सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे